ओके सो यार बेसिकली इन टुडेज वर्कशॉप वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द बेसिक डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स एंड पैरामीटर्स रिलेटेड टू द फिल्टर्स. यार सब तरह के फिल्टर्स कवर करना पॉसिबल नहीं है, सो वी विल कवर ऑल द ब्रॉड कैटेगरीज एंड मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर टाइप्स, एंड वी विल कवर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच विल एवर नीड टू स्टडी एनी टाइप ऑफ फिल्टर और डिज़ाइन एनी फिल्टर, सो दैट वेन एवर यू कम अक्रॉस एनी न्यू डिज़ाइन यू कैन अंडरस्टैंड दैट. तो और इवेंट में भी यू आर फ्री टू यूज़ एनी टाइप ऑफ फिल्टर, सो वील कवर ऑल द बेसिक्स सो दैट आपको. तो पहला चीज़ है कि ट्रांसफ़र फंक्शन. सो ट्रांसफ़र फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन यही है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट अपॉन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. सो बेसिकली कोई भी अगर आपको सिस्टम दिया हुआ, यू हैव से यू आर गिवन अ बॉक्स, यू डोंट नो वॉट इज इन साइड दैट, बट यू नो कि लाइक इफ आई गिव एक्स इनपुट आई विल गेट द आउटपुट एज वाई. सो बेसिकली यू कैन मॉडल दिस बॉक्स विच यू डू नॉट नो वॉट्स इन साइड दिस बॉक्स एज अ ट्रांसफर फंक्शन. सो बेसिकली इट वुड बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट. सो अ वेरी बेसिक डेफिनेशन, वील सी की हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. तो थ्योरेटिकली यू डिफाइन इट एज की फंक्शन विच थ्योरेटिकली मॉडल्स द डिवाइस आउटपुट. थ्योरेटिकली यू कैन ऑल्सो से आइडियली मॉडलिंग की, बिकॉज इट कंसिडर्स जीरो इनिशियल कंडीशन की कोई भी चार्ज नहीं है कैपेसिटर पर, इंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, थिंग्स लाइक दैट. तो फर्स्ट डेफिनेशन यू वुड सी रिलेटेड टू ट्रांसफर फंक्शन इज व्हेन द ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, सो इट 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 इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन. सो बेसिकली व्हेन एन इज़ ग्रेटर देन एम, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर. सो बेसिकली इफ यू डू नॉट रिमेंबर वॉट दिस वाई एस एन एक्स एस वर, सो वी शोड इट टू यू इन द फर्स्ट वर्कशॉप दैट Whenever you have a differential equation and you take the Laplace on both the sides, you get some relation like this. Over here, ys is equal to ms square plus something something equals to xs. So this thing, ms square plus bs plus k, this would be the transfer function over here. So just remember the definition, we'll get into the depth as we go along. So पहली चीज़ की transfer function, what is the use? So first thing is you can see the response. Say for any input, you can get the output. है ना, इफ़ यू आर गिवन एनी इनपुट एक्स एस एंड यू नो वॉट जी एस इज, सो यू कैन गेट द वाई एस इजिली, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दैम एंड देन यू टेक द इनवर्स लाप्लास, और इवन इफ यू आर गिवन दैम इन टाइम डोमेन देन यू कैन डायरेक्टली फाइंड. सेकेंड थिंग इज स्टेबिलिटी एंड द थर्ड थिंग इज टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो वील लुक एट दिस टू नाउ. सो हाउ इज स्टेबिलिटी डिसाइडेड? बेसिकली द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन दे आर कॉल्ड पोल्स. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज टू डेफिनेशंस की वॉट इज पोल एंड वॉट इज जीरो. सो बेसिकली वेन दिस जी एस, दिस थिंग इज इक्वल टू माई जी एस, सो वेन एवर माई जी एस रीचेज इन्फिनिटी, सो दैट वैल्यू ऑफ एस, वेन एवर फॉर एनी गिवन एस माई जी एस रीचेज इन्फिनिटी दैट इज कॉल्ड अ पोल, एंड माई वेन माई जी एस रीचेज जीरो दैट इज कॉल्ड अ जीरो. वेरी बेसिक डेफिनेशन. सो वेन विल जी एस अप्रोच इन्फिनिटी? वेन एक्स एस इक्वल टू जीरो. So basically, that's why the roots of the denominator are your poles. And when does it reaches zero? So when x s approaches infinity. So therefore, the roots of the polynomial of the numerator, when the numerator is zero, this would approach zero. So this is the definition. So and you usually represent these poles and zeros on a plot. See, I told you that S domain is a 2D domain. So if you split s it would be something like alpha plus j omega. So but while representing we use s domain. So s domain we represent in a 2D plane. We will have alpha axis and j omega axis. So on this axis whenever you represent a pole by x, say my pole lies over here somewhere here and some zero over here. So whatever the value is depending on that you represent them by x and zero on the graph. We'll get to this key, why is it important. So system order, this is also one more definition, which is always equal to the number of poles of the transfer function. If my GS has two poles, the order is two. If it has three poles, the order is three. So similarly over here, since this is a n order polynomial, it would have n roots. Ideally, it would have n roots, so it is a n order plant. Over here, I have written you can use anything, system plant or anything. So this is just another definition of poles and zeros. You can remember this as well. So, and graphically, if I show you in 3D, so in 3D, this you can see this yellow peak going to infinity. So
So, and if you remember from the first workshop, I had shown you these two axes, and over here this third axis was the my Laplace transform. Over here I have the alpha axis, and over here I have the g omega axis. So this was basically the 3D thing we discussed in the whole of first workshop. So whenever you see this plot, so over here at whatever places it is zero, though they are zeros, and whatever places it peaks to infinity, they are the poles. And this is how you deal with them in C. Always drawing 3D is very hard, so we deal with them in 2D. So we basically just plot S, the poles and zeros of a function. So we do not need to plot the third domain. You will get to know, like, without knowing the Laplace transform and all, just by knowing the poles and zeros, we can get a lot of information about the transfer function. So we just only plot the poles and zeros. So I will just plot here. If there are some poles or zeros, I would mark them, like they would have some sigma value, some j omega value. Based on that, I will mark all the poles and zeros. So now, based on these poles and zeros, we have the concept of stability of control systems. So what is the stability? If all the poles of the system lie in the left half plane, so that is over here in this plane, so then they are said to be stable. If they are in this plane, they are said to be unstable. Simple concept, nothing. We will not go into the derivation and why and all, so that is currently out of the scope of the workshop, but remember these things. And if some pole or zero lies on this j omega line where sigma equals zero, then it is called marginally stable. So basically, this is, if you are given a transfer function, you can find the poles and get the stability, or if you are given the poles, you can directly plot them and see if they are stable or not. Basically, a very small example, if you are given a function like gs equals to 10 upon s plus 3, so this is basically 10 upon s plus 3. So this function would never go to 0 until unless s approaches infinity. So we usually do not consider this s approaching infinity as any pole or zero, because that is practically not possible. We just take only the values which we can represent on the number line. So s equal to minus 3 is the only possible value where it approaches a pole or a zero, and s equals to minus 3 is a pole, because at s equals to minus 3 this thing approaches infinity. So basically this is how you solve. When you see that it lies in the left plane, so this system would be stable. So this is basically how you solve. And so basically I have a small example for you. I would like all of you to just solve any one of these, at least right now. Say, I would say maybe we take the third one. So you are given these functions. So consider the following transfer functions and determine whether they are proper or improper. Find the poles, the zeros, and order. Order is equal to the number of poles. Poles and zeros you can find out by factorizing them and seeing when they reach infinity and zero. And proper, improper, I told you, whenever the denominator, you can start solving and write the answers in the chats, or you can even speak. So for the third one, if anyone gets the answer, they can tell me. This is a very basic question which you get related to transfer functions and all. So it is proper. Zeros are minus 3. Okay, sorry. And order of the system equals to number of poles, and poles you have to find out when they reach infinity, that those are the poles. So well, it has one thing, it has a complex pole, so I think you might poles are j root of 10. Okay, so basically yeah was easy sa rehta hai. Here are the answers if someone didn't get this, but these are just simple definition based. Vikrant sahi hai aapka answer. And so order would be equal to the number of poles. So yahan pe poles, you would see that the poles are 0 and the root of minus 10. So like minus root of j plus minus j root of 10. So baki all other functions are simple
I think you can do that, so we won't waste much time here. Like, we have a lot to cover today. So we are thinking to complete all your theoretical part today itself. So the third thing, like stability, तो डिसाइड हो गया ये सबसे. नाउ नेक्स्ट वी डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, सी ऑलवेज आई टोल्ड यू दैट ऑलवेज प्लॉटिंग अ 3D ग्राफ वुड बी नॉट ईजी फॉर अस. यू कैन नॉट प्लॉट अ 3D ग्राफ. सो जस्ट यू आर गिवन ऑलवेज, वेन एवर यू आर गिवन अबाउट अ ट्रांसफर फंक्शन, यू जस्ट आर गिवन दिस सिग्मा एंड जे ओमेगा वैल्यूज एंड यू आर जस्ट गिवन द पोल्स एंड जीरोज. ओवर हियर यू माइट बी नोटिंग दैट, इग्नोर दिस वन, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फंक्शन, बट आई टोल्ड यू दैट सी ओवर हियर these are cross mark. You can see that these are crosses. So crosses represent your poles. So you have been given like this system has four poles, s1 conjugate, s2 and s2 star, you can see. So this basically shows conjugate. So that means if s1 is say a plus j b, so s1 conjugate, s1 star would be a minus j b. So that is basically the meaning of conjugate. So they are mirror images of each other with respect to sigma axis. So with only this much information, you can even plot the graphs of these functions. So see, the first thing we have to consider is, see, the j omega for s2 is greater than j omega for s1. You can clearly see. So that means the frequency of this function s2. See, these are for two different functions. See, s1 star is for say function 1. And S2 and S2 star of a function 2. So you will know that there are two functions, F1 of something and F2. So you can see that the frequency of the second function is greater than the first function because j omega for it is greater. Even in the negative side, the mod value is greater. And the second thing you notice is sigma for S1 is smaller than sigma for S2. You can see. So basically, sigma shows your attenuation rate. So that shows that my function f1 has less frequency and it also attenuates slowly. And whereas my second function has higher frequency and it attenuates faster. So based on that, based on these assumptions, we have also written them over here. So just by knowing the poles and zeros, you can plot the approximate plots. See, like right now, I'm not given any values for s1, s2. So if you were given the values now, you can plot the exact functions, because see, like right now you don't know what value is, but you just know that the comparative values, that s1 is smaller than s2 in terms of frequency and also attenuation rate. So you can draw relative graphs that you can see that f1 and f2, you can see that f2 is attenuating faster than f1. F1 is attenuating slowly, and also frequency of f2 is faster than frequency of f1. And if you are given the values, say for example, you were given values over here, say it was maybe 1, and over here it was minus 1, it was 2, and maybe this was minus 2. So you would have seen that this plot would be e to the power minus 2t, and this would have been e to the power minus t. So you could have simply got the functions direct away. So this is how you get information about the characteristics of the function in time domain or frequency domain, anything you can get. When you are just by knowing the poles and zeros. And if you have any doubts, you can speak in between, because like I'm not able to see if you're writing anything in the charts. You know, so the or ye to bahut hi basic si cheez hai ki usually what we do, we transfer functions also in some of the questions we need to use this thing, that if there is a complex number, we can write it as a magnitude into phase. This phase you might be remembering, like you write it as e to the power minus j phi, you know. You also aapko yaad hai sin theta plus j iota, you must be remembering this cos theta plus iota sin theta, we used to do it a lot in the JE. So basically yahan pe bhi waise hi apan break karke solve kar sakte hain. So frequency response solve karte time ye cheez kaam aayegi. And one more thing, ki this thing is called a Bode plot, which we will see right now. But this is it from the ye part apna first workshop mein bach gaya tha, so I think it was necessary to tell you now. So now we'll start with these Bode plots. What are these? We'll use them throughout our filters. So basically aaj ki workshop yahan se chalu ho rahi hai, ki
फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि वॉट आर फिल्टर्स. सो फिल्टर इज एनी थिंग विच रिमूव्स योर अनवॉन्टेड सिग्नल्स, और इवन इट कैन परफॉर्म एनी प्रोसेस ऑन योर वॉन्टेड सिग्नल. मतलब अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, लाइक आपके पास ऐसा सिग्नल आ रहा था बट आपको सिर्फ इस वाले पीक पे प्रोसेस करना है, तो ये दो पार्ट हटाने पड़ेंगे, तो यू विड नीड अ फिल्टर. सो नाउ इसको हटाए बाद भी अगर आपके पास अब वो एक पीक बचा है बट स्टिल यू वॉन्ट टू परफॉर्म समथिंग ऑन दिस पीक, से आपको इस पे इस पीक को एक स्क्वायर पीक में कन्वर्ट करना था जिसका एम्पलीट्यूड इसके मैक्सिमम जितना हो, तो स्टिल यू वुड नीड अ फिल्टर. आप उसको पार्शली फिल्टर कह सकते हैं, वो भी कुछ ऐसा करेगा. बेसिकली दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ फिल्टर एंड द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फिल्टर्स. ब्रॉडली वी क्लासीफाई देम इंटू फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन वॉट फ्रीक्वेंसीज दे अलाउ यू टू पास. देर आर वेरियस बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. द फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो दे मे बी लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड रिजेक्ट. तो इसमें तो नाम से पता पड़ रहा है कि लो पास फिल्टर अलाउज फ्रीक्वेंसीज बिलो सर्टेन रेंज. सो दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. दीज आर कॉल्ड बोट प्लॉट्स, सो दे हेल्प यू टू डील विथ फिल्टर्स. तो लो पास फिल्टर्स आर विच अलाउ, अब कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ जिसको अपन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जिसके नीचे के सारे पे इसका गेन सिग्निफिकेंट होता है और उस फ्रीक्वेंसी के आगे इसका गेन बहुत ही छोटा हो जाता है. तो लाइक इफ यू आर पुटिंग सिग्नल वी आई इन टू अ फिल्टर, तो बिलो दिस फ्रीक्वेंसी एफ सी वॉट आई एम सेइंग, तो दिस वी आई वुड बी, वी आई थोड़ा सा एटेन्यूएट होगा लेकिन आउटपुट पे यू वुड गेट अ सिग्निफिकेंट वोल्टेज, बट अबव दिस एफ सी यू वुड गेट अ वेरी लेस वोल्टेज, लाइक मे बी विच इज़ वेरी मच मच लेस देन वी आई. तो इसीलिए अपन इसको अपन देखेंगे हाउ दे आर मॉडल्ड. दिस इज बेसिकली अ लो पास फिल्टर. ऑपोजिट ऑफ दिस इज अ हाई पास फिल्टर एंड इफ यू कंबाइन दीज टू यू विल गेट अ बैंड पास फिल्टर. इट वुड हैव कि भाई एक फ्रीक्वेंसी F1 से लेके F2 के बीच में इट वुड अलाउ फ्रीक्वेंसीज सिग्नल्स टू पास. एंड बैंड रिजेक्ट क्या करेगा, बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज इट वुड रिजेक्ट एवरी सिग्नल, इट वुड रिजेक्ट एवरी सिग्नल बिटवीन अ टू सर्टेन फ्रीक्वेंसीज. सो एंड दीज थिंग्स आर कॉल्ड बोट प्लॉट्स. बोट प्लॉट्स स्पेशल क्यों है, क्योंकि दे प्लॉट एक एक्स, दे आर लॉगरिथमिक प्लॉट्स, दे आर नॉट नॉर्मल प्लॉट्स. वी यूज द लॉगरिथमिक वैल्यूज ओवर हियर, क्योंकि अपन को बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर करना होता है, इसलिए वी यूज लॉग. आई वुड एक्सप्लेन इट बेटर ओवर हियर. वापस ये वाली स्लाइड विजिबल है ना, जो फर्स्ट ऑफ पुरानी वाली. तो ओवर हियर वी प्लॉट द गेन वर्सेस द ओमेगा एंड हियर देर इज अ थिंग कॉल्ड वन डेकेड. सो वन डेकेड इज बेसिकली अ रेशियो बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज जब भी 1 से 10 हो जाएगा. यानी अगर ये मेरा 1 डेकेड है, यू कैन सी इफ दिस पार्ट इज माई 1 डेकेड. सो ओवर हेयर अगर मेरी फ्रीक्वेंसी एफ थी तो यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट 1 डेकेड के बाद 10F हो जाएगी. अब नो मैटर वॉट द वैल्यू ऑफ एफ वॉज, रेशियो शुड बी 1:10. इफ इट वॉज 10 हर्ट्स या 100 हर्ट्स होगी. इफ यहाँ पे 100 हर्ट्स थी या 1000 हर्ट्स हो जाएगी. इट द रेशियो शुड बी 1:10. आई डू नॉट केयर अबाउट द वैल्यू. सो दिस इज स्पेशल इन बोट प्लॉट्स. क्या यहाँ लॉगरिथमिक स्केल यूज होता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, वी गो गो ऑन लाइक दैट. एंड ऑल्सो ऑन द वाई एक्सिस वी हैव गेन विच इज ऑल्सो अ लॉगरिथमिक फंक्शन विच वी विल सून डिफाइन. सो ये थे बोट प्लॉट्स. सो नाउ वी ऑल्सो कैटेगराइज फिल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर गेन. सो दैट इज बेसिकली पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर्स विच वील बी डिस्कसिंग थ्रू आउट द वर्कशॉप टूडे. द गेन वेन द गेन इज लेस देन वन, सी देर आर गेन ऑफ टू टाइप्स, गेन इन डेसिबल एंड गेन. सो सिंपल गेन इज द सिंपल रेशियो ऑफ वी आउट बाई वी इन फॉर एनी सिस्टम, आउटपुट अपॉन इनपुट इज द गेन. सो वेन दिस इज लेस देन वन दे आर कॉल्ड पैसिव एंड वेन इट इज ग्रेटर देन वन दे आर कॉल्ड एक्टिव. एंड गेन इन डेसिबल इज डिफाइंड एज द 20 log ऑफ दिस नॉर्मल गेन, 20 times द बेसिक लॉग बेस 10 ऑफ दिस नॉर्मल गेन. सो दिस वी यूज इन द बोट प्लॉट्स. दिस थिंग इज वॉट वी प्लॉट इन द बोट प्लॉट्स, ताकि अपन बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज और वोल्टेजेस के रेंज को कवर कर सकें, इसलिए लॉगरिथमिक प्लॉट यूज होता है. सो दिस इज बेसिकली सम डेफिनेशंस कि एक हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है. सिंपल कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी
is the frequency at which the power becomes half of the maximum value. So since power is proportional to v square or I square, you write p equals to v square by r. So half power frequency would occur at v equals to v by root 2, 1 by root 2 of its maximum value, where the magnitude, by magnitude I refer to the voltage magnitude. So power would become half, and one thing is called resonance frequency. You might be remembering it from the RLC circuits ke series or parallel ke cases mein, jab XC and XL cancel each other, so you get resonance. तो गेन ऐसा कुछ पीक कर जाता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे, सो दैट वी कॉल एज ओमेगा नॉट. दीज आर जस्ट डेफिनेशंस, वी विल यूज देम एज वी गो अलोंग. सो फर्स्ट थिंग इज लो पास फिल्टर. सो अ वेरी बेसिक लो पास फिल्टर इज मेड फ्रॉम आर एंड सी, वन रेजिस्टर एंड वन कैपेसिटर. तो बेसिकली लो पास फिल्टर इज फॉर इजी पैसेज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी. दिस इज द डेफिनेशन की फॉर अ frequency but below a particular value, it would allow all the signals to pass easily. For above this frequency, it would offer very high resistance, so they would be attenuated. And now one more definition, what is the cutoff frequency? Here ye frequency limit hai kya, jahan ka ye allow karta hai aur jiske baad ye allow nahi karta. So this limit is equal to when the voltage is equal to 70.70%. so agar yahan pe mera V max tha, to when my V becomes equal to Vm by root 2. So at that point I tell ki हाँ अब इसके आगे की frequencies काफ़ी attenuated हो चुकी हैं. So this is the pass band Vm to Vm by root 2. So this is what the standard definition of cutoff frequency is, कि when the voltage becomes equal to 70.7%, basically 1 upon root 2 is 0.707, so that is why this is 70.7%. So this is the definition of cutoff frequency. And now we'll look at this filter ki ek R aur ek C hai. Over here you give the input or across the capacitor you get the output. So when I model this, you can see that the voltage across capacitor is equal to the voltage output V naught. I'm writing it as V naught, V out. So you can see this is a simple series combination of R and C. Yahan pe bhi open circuit hai and yahan pe bhi open circuit hai. So you would write voltage across capacitor as XC upon R plus XC into Vin, and XC is the impedance or the reactance offered by the capacitor, which is, agar aap phase ko consider na karein, sirf uski value hogi 1 by omega C, and considering the phase, its value would be minus J into 1 upon omega C, because aapko agar first workshop ke phasors mein se yaad ho, तो अगर यहाँ पे मेरा R है तो यहाँ मेरा L का वोल्टेज होगा और यहाँ पे मेरा C होगा, तो R से 90 डिग्री लैग करता है C, सो इट वुड बी ऑन माइनस J एक्सिस. तो दिस इज हाउ अ लो पास फिल्टर लुक्स. आप जब प्लॉट करोगे तो यू विल प्लॉट गेन अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी, लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल. दैट मीन्स आप यहाँ पे ज़ीरो से तो चालू करोगे, तो अगर आपको यहाँ पे 1 है तो 10 होगा, उसके सेम डिस्टेंस पे आपके 100 होगा, और सेम डिस्टेंस पे के जाके 1000 हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली अ लॉगरिथमिक स्केल. सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी. वाई? क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि 3 dB इज इक्वल टू 20 log ऑफ 0.707. तो अपन ने बोला है जब वी आउट और वी जब अपना जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैक्सिमम वैल्यू के 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, तब मैं बोलूँगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीच हो गई है. तो तब रेशियो मेरा क्या होगा, वी आउट बाई वी इन का रेशियो क्या होगा, 0.707. तो व्हेन आई टेक द 20 log, इट कम्स आउट टू बी 3 dB. सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो नोन एज 3 dB फ्रीक्वेंसी. सो नाउ व्हाट इज दिस इज द डेफिनेशन, एंड वी विल नाउ डिराइव दिस कि भाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट क्या होते हैं. कि so the first thing is we will be deriving the cutoff frequency. तो यार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यूज़ करनी है अपन को, कि जब रेशियो ऑफ वी आउट बाई वी इन बिकम्स 1/√2, दैट इज़ कॉल्ड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड यू शुड नोट दैट आई एम यूजिंग मॉड ओवर हेयर, क्योंकि मेरे को फेज से मतलब नहीं है. मुझे राइट नाउ आई ओनली वॉन्ट दी
modulus value. I want their ratio to be 1 by root 2. So I do not want anything about phase or anything. तो why should I get involved in that e की power j phi और वो सब मैं क्यों consider करूँ? क्या मतलब है उन सब का? They are not needed right now. I will just consider the ratio, just the values. तो v out by v in का mod equals to mod of xc, mod of xc upon mod of xc plus r. This would be the value. But as I told you कि xc और r इनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो देयर मॉड वैल्यू वुड बी एक ट्राइंगल बनाएंगे ना, कि लाइक अगर यहाँ मेरा आर है तो उससे 90 डिग्रीज पीछे मेरा एक्स सी होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा कुछ होगा, तो रिजल्टेंट इनका हाइपोटेनस होगा, तो दैट्स वाई दिस इज द रेशियो. नाउ सिंपली आई पुट दिस रेशियो इक्वल्स टू 1/√2. तो वेन यू सॉल्व इट यू विल गेट एफ सी इक्वल्स टू 1/2 πRC. सो बेसिकली ओमेगा इक्वल्स टू 1/RC विल गेट, कि वेन डज दिस अकर एट ओमेगा इक्वल्स टू 1/RC. तो नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड आपको समझ आ जाएगा. एक ये और ये डेरिवेशन आपको एफ सी का कहीं पे भी मिल जाएगा. दिस इज़ लेसर नोन डेरिवेशन, ये यूजुअली मिलता नहीं है, तो इसीलिए आई थिंक ये समझाना इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड द फेज. सो वाइल फाइंडिंग द फेज, पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि यू शुड कंसिडर द फेज ऑल्सो ओवर एयर यहाँ पे, क्योंकि आपको फेज ही फाइंड करना है. अगर आप यहाँ सिर्फ मॉड्यूलस वैल्यू कंसिडर करेंगे तो हाउ विल यू फाइंड द फेज रेशियो. तो इसीलिए फेज शिफ्ट निकालने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप इनकी पूरी वैल्यूज कंसिडर करें. एंड हाउ डू यू कंसिडर दिस फुल वैल्यूज़? तो वी नॉट बाई वी इन रेशियो तो चेंज नहीं होगा ज़्यादा. फर्स्ट यू टेक वी नॉट बाई वी इन एक्स सी अपॉन एक्स सी प्लस आर. एंड आई टोल्ड यू आर लीड्स एक्स सी बाय 90 डिग्री. तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें कि 1/1 + r/xc, ताकि आपको एक ही जगह पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करना पड़े. एंड नाउ यू रिप्लेस एक्स सी बाय 1/j⍵c. सी माइनस जे इज इक्वल्स टू 1/j. ओके, अच्छा मैं काफ़ी कुछ लिख चुका हूँ इस पर. सो बट आप समझ रहे हैं कि लाइक हेयर आई टोल्ड यू कि एक्स सी इज माइनस जे अपॉन ओमेगा सी. सो माइनस जे यू कैन राइट एज 1/j. सो दैट्स वाई रिटन इट एज 1/j. एंड देन यू रैशनलाइज दिस कि क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है, तो यू मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर का ऑपोजिट कॉन्जुगेट 1 + j/j⍵rc. सो यू गेट दिस, यू गेट दिस. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इवेंचुअली, ये इजी. आई थिंक यू विल बी एबल टू कैच दिस कि हाँ बस मैंने इसको फैक्टराइज रैशनलाइज कर दिया. 1 + j⍵rc से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया. सो आई गेट समथिंग. तो डिनोमिनेटर में तो मुझे कुछ कांस्टेंट आ गया, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट. और न्यूमिनेटर में मुझे आ गया 1 + j⍵rc. सो आई कैन राइट दैट रेशियो एज सम 1/a + j × कुछ ⍵rc/a, नीचे कुछ कांस्टेंट ही है. तो अब आप देख सकते हैं इट हैज़ कम इन द फॉर्म ऑफ x + jy. और x + jy का मैं कभी भी अगर फेज लिखता हूँ तो हाउ डू आई रिप्रेजेंट दैट फेज? माइनस टैन इनवर्स ऑफ y/x. दिस इज सिंपल डेफिनेशन, आपको बस ये तो फेज की तो डेफिनेशन है, बट ये यहाँ तक का डिराइव करना आना चाहिए कि वाइल कंसिडरिंग द फेज आप इसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट दिस जे. तो यू विल गेट योर 5 as tan inverse ⍵rc, नेगेटिव ऑफ टैन इनवर्स ⍵rc. सो नाउ वी हैव अ फ्यू डेफिनेशंस. अभी तक डाउट तो नहीं है ना किसी को? पास बैंड आई थिंक नाम से काफ़ी क्लियर है कि फिल्टर किस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास होने दे रहा है, कि वॉट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इट अलाउइंग टू गेट पास. सो दैट इज़ द पास बैंड. सो पास बैंड इज यूजली फ्रॉम 0 to the 3 dB वैल्यू, 3 dB फ्रीक्वेंसी. सी वी आर प्लॉटिंग गेन एंड फ्रीक्वेंसी. सो नाउ वील टॉक इन द टर्म्स ऑफ डेसीबल ऑलवेज. एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट एट 3 dB वॉट हैपन्स, वी आउट बाई वी इन इक्वल्स टू 1/√2. पास बैंड ट्रांजिशन रेंज, द रेंज टिल इट गेट्स, सी जस्ट आफ्टर 3 dB इट हैज स्टिल गॉट सम वैल्यू, सो इट वुड गो टू जीरो एट अ लेटर स्टेज. तो इन जब तक वो जीरो नहीं होता तो उस रेंज को अपन बोलेंगे ट्रांजिशन रेंज. सो व्हेन और आफ्टर सम टाइम इट वुड बिकम जीरो, सो दैट वी विल कॉल द स्टॉप बैंड, जिनमें मैक्सिमम एटीन्यूएशन हो चुका है एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो
now we look at the high pass filter, same as same derivations, everything as the low pass filter, so we will not derive over here, but आपको एक intuition दिखा सकता हूँ मैं कि लाइक वाई इज इट हैपनिंग कि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसीज आ जा रही हैं यहाँ पे लो, कि भैया वहाँ यहाँ पे आर था और इधर सी था पिछली बार में, तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब बस इसको रिवर्ट कर देने से चेंज कैसे हो जा रहा है? यू सी दैट फॉर कैपेसिटर वी हैव 1/ωC एज द इम्पीडेंस, है ना? तो जब 1/ωC है तो यानी फॉर कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्पीडेंस इट ऑफर्स. 1/ωC इज द रेजिस्टेंस इट इम्पीडेंस इट ऑफर्स, तो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. सो एट हाई फ्रीक्वेंसी XC वुड एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड एट लो फ्रीक्वेंसी XC वुड एक्ट एज अ ओपन सर्किट. तो दैट इज वाई यू कैन सी वेन वी इन इज एट हाई फ्रीक्वेंसी, सो वॉट विल हैपन, माई कैपेसिटर वुड एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, तो मेरी सारी फ्रीक्वेंसी पास आउट हो सकती है एंड इट वुड डिसिपेट एट आर. बट वेन माई आई एम एट लो फ्रीक्वेंसी माई XC वुड बी इन्फाइनिट, दैट इज इट वुड एक्ट एज अ ओपन सर्किट, तो इसलिए मेरा जो वी इन है वो पास ही नहीं हो सकता बिकॉज हेयर इज अ ओपन सर्किट, सो नो करंट वुड फ्लो, सो नो डिसिपेशन अक्रॉस आर, सो माई आउटपुट वुड बी जीरो. सो दैट्स वाई इट वुड एक्ट एज अ हाई पास फिल्टर बिकॉज इट इज अलाउिंग हाई फ्रीक्वेंसीज टू पास एंड इट इज नॉट अलाउिंग लो फ्रीक्वेंसीज टू पास. सो दिस इज द इंट्यूटिव वे. सिमिलरली यू कैन यूज इट फॉर द लो पास फिल्टर ऑल्सो, कि जब यहाँ पे कैपेसिटर है मेरा इन द प्लेस ऑफ आर, सो इट वुड अलाउ ऑल दी हाई फ्रीक्वेंसीज, सो एट हाई फ्रीक्वेंसीज एंड इट वुड बी एक्ट एज शॉर्ट सर्किट फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज एंड ओपन सर्किट फॉर लो फ्रीक्वेंसीज. तो उससे आपका आ जाएगा कि वी आउटपुट पे आपको वी आउट इक्वल्स टू वी इन व्हेन माय कैपेसिटर इज एट लो फ्रीक्वेंसी. तो फॉर हाई पास फिल्टर द प्लॉट वुड बी ऑपोजिट, इट वुड स्टार्ट विद जीरो एंड गो टू अ वैल्यू एंड बिकम कॉन्स्टेंट. The gain would be constant after the 3 dB frequency, approximately constant after the 3 dB frequency. It has the same definition for FC, cutoff frequency में change नहीं. Phase shift, you should note that over here it becomes tan inverse of 1/2πRC. यह negative sign हट गया है. So उसको आप derive नहीं करेंगे. I would just tell you what you have to do, कि like V naught by V in is R by R plus XC. In this case, you can see R upon R plus XC. यहाँ पे भी वही series combination लग रहा है. तो वी नॉट बाई वी इन का रेशियो आ गया, वही आप 1/1 + 1/g ωRC होगा. तो जब आप इससे निकालेंगे फेज को तो इट वुड कम आउट टू बी -tan इनवर्स ऑफ -1/ωRC. तो दैट्स वाई दिस माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ -x इज -of tan इनवर्स x. तो फेज दोनों में फेज शिफ्ट की वैल्यू अलग अलग होती है हाई पास लो पास में. कीप नोट, एक नेगेटिव साइन से फिल्टर चेंज हो जाएगा बिल्कुल. इसीलिए नाउ व्हाट वी स्टडीज की जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या होता है? सी नाउ व्हाट वी लुक एट इज व्हेन यू कंबाइन दीज टू, सो यू गेट अ बैंड पास. यू कैन कंबाइन देम इन टू वेज. सो वन वे इज यू कैन गेट अ बैंड पास फिल्टर. व्हाट विल बैंड पास फिल्टर डू? It would allow you a frequency range in which it would have a constant gain and after that it would attenuate all the frequencies. So basically आप क्या करते हैं, पहले आपने एक हाई पास फिल्टर लगा दिया तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी F1 के ऊपर की सारी आपको फ्रीक्वेंसीज पास हो गई एंड देन आपने एक लो पास फिल्टर लगा दिया तो फ्रीक्वेंसीज F2 के नीचे की सारी फ्रीक्वेंसीज पास हो गई. सो दिस इज हाउ यू गेट अ बैंड पास फिल्टर. आप इन बस दोनों को कॉम्बिनेशन में लगा दो तो यू कैन सी ओवर हियर आपको एक बैंड पास फिल्टर मिल जाएगा. नथिंग मच टू एक्सप्लेन ओवर हियर, जस्ट फ्यू डेफिनेशंस की बैंडविड्थ क्या होगी. बैंडविड्थ सिंपली कि जो आपकी हायर फ्रीक्वेंसी है माइनस द लोअर फ्रीक्वेंसी. जैसे यहाँ पे F2 - F1 वुड बी माई बैंडविड्थ एंड सेंटर फ्रीक्वेंसी आपको जो रेजोनेंस, वी विल नॉट डिराइव दिस, दिस इज यूजली इन द रेजोनेंस फॉर्मूला, बट ओके आपको एक हिंट दे देंगे इसका कि but there is no need for derivation, you can just remember this. So this is what its board plot would look like. It would start with zero, become constant for a specific range and then again attenuate to zero. FL and FH, we usually refer to them as the higher cutoff frequency and the lower cutoff frequency.
एंड डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन एफ एल एंड एफ एच कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर. यू कैन सी ओवर हेयर कि जो एफ टू है दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लो पास फिल्टर, एंड एफ वन है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर है. तो ये बैंड पास फिल्टर तभी वर्क करेगा जब एफ वन पीछे है और एफ टू आगे है. सो दैट मीन्स द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई पास फिल्टर मस्ट बी लेस देन द लो पास फिल्टर, देन ओनली दिस कास्केडिंग वुड वर्क एज अ बैंड पास फिल्टर. तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन एफ एल एफ एच एंड एफ वन एफ टू. आई हैव क्लियरली मैंशनड ओवर हियर कि एफ वन एफ टू क्या है एंड एफ एल एफ एच क्या है. यू शुड रिमेंबर दिस कि द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर. तो डिफाइन तो इनको भी वैसे ही करते हैं 1/2 πRC. तो सेपरेटली इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिल्टर्स. यू कैन सेपरेटली सॉल्व फॉर देम एंड आपको मिल जाएगा. देन यू हैव द बैंड स्टॉप फिल्टर. इसमें क्या करते हैं आप उल्टा कर देते हैं. अब अगर इसी केस में जब मैं बताऊं कि यार अगर ऐसा हो कि मेरा एफ वन आगे है और एफ टू इज बिहाइंड, तो देर वुड बी अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ कुछ पास नहीं होगा. सो दैट इज हाउ वी गेट अ बैंड स्टॉप फिल्टर. वट वी डू इन इट्स कंस्ट्रक्शन इज कि अपन इनको पैरेलल में लगा देते हैं हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर को. तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट देम. कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना. ऐसा आई गेस दिस इज द इजी पार्ट है कि वट यू डू आप इनको पैरेलल में लगा देते हैं. तो फ्रॉम वन पाथ यू गेट द लो पास आउटपुट एंड फ्रॉम द अदर पार्ट यू गेट द हाई पास आउटपुट. एंड तो बीच की एक जो फ्रीक्वेंसी बच गई जैसे ओवर एयर 200 हर्ट्ज से लेके 800 हर्ट्ज का जो बीच का जो भी मेरा सिग्नल था वो पास ही नहीं हुआ, तो इट हैज़ बीन स्टॉप्ड. एंड एट द एंड आई ऐड देम, आई पुट देम इन अ एडर. लास्ट वर्कशॉप में पढ़ा था एडर क्या होता है. तो यूजुअली यू पुट देम इन अ एडर. सो आपको ये दोनों के बीच का आउटपुट माइनस होके जो भी बचा हुआ सिग्नल है वो मिल जाएगा. नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज कास्केडिंग. कास्केडिंग इज बेसिकली एक फिल्टर के बाद दूसरा फिल्टर लगा देना. इट इज नथिंग मच. वाई इज इट डन? क्योंकि टू डिक्रीज द रोल ऑफ रेट. वाई डू वी कास्केड? सो दैट द रोल ऑफ रेट डिक्रीजेज. रोल ऑफ क्या होता है भैया? रोल ऑफ यार बेसिकली आपका जो गेन है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे होता है एंड देन इट गोज टू जीरो. सो हाउ क्विकली इट गोज टू जीरो दैट इज कॉल्ड द रोल ऑफ रेट. तो द क्विकर इट गोज टू जीरो द मोर रोल ऑफ रेट इट हैज. आई एक्सप्लेन इट. तो कैस्केडिंग इज डन टू इंक्रीज द रोल ऑफ रेट. क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार अगर बहुत धीरे धीरे आपका एटीन्यूएट होकर जीरो पहुंच रहा है तो यू कैन गेट सम अनवांटेड सिग्नल्स, है ना. सो दैट्स वाई वी वॉन्टेड टू क्विकली गो टू जीरो. जैसे आइडियल रिस्पॉन्स तो मेरा आई गेस ये डॉक आइडियल रिस्पॉन्स तो ऐसा होगा कि यार मेरा एक फ्लैट फिल्टर है एंड इमीजिएटली इट गोज टू जीरो आफ्टर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो ऐसे कास्केडिंग करने से दैट एटेन्यूएशन रेट इंक्रीजेस. इसका डेरिवेशन विल नॉट डिराइव देम. यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स 1/2 πR1C1 इनटू R2C2. दिस इज फॉर लो पास. हाई पास के लिए कॉन्फिगरेशन उल्टा हो जाएगा. सी विल बी हेयर, आर विल बी हेयर, सी आर इन द फॉर्मूला वुड रिमेन सेम. तो बेसिकली यू कैन सी ओवर हेयर आई मेड दिस थ्री लाइन्स. यू कैन सी दैट द रेड वन देन द येलो वन एंड देन द ब्लू वन. तो द रेड वन हैज़ द लीस्ट रोल ऑफ रेट. उससे हायर रोल ऑफ रेट येलो की है एंड द हाइएस्ट रोल ऑफ रेट इज़ फॉर ब्लू. सो दिस इज वॉट हैपन वैन यू इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. तो दिस कास्केडिंग इंक्रीजेज द ऑर्डर ऑफ फिल्टर. लाइक द नंबर ऑफ स्टेजेस इज इक्वल टू द ऑर्डर. तो अगर मैंने दो स्टेजेस बना दी, दो फिल्टर्स लगा दिए तो सेकेंड ऑर्डर हो गया, तीन स्टेज लगा दी थर्ड ऑर्डर हो गया. एंड यू कैन सी इससे मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी अफेक्ट हो रही है. जितना तेज रोल ऑफ रेट है उतना मेरा छोटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है. सो दिस इज अ एडवांटेज एंड ऑल्सो अ डिसएडवांटेज कि यार रोल ऑफ रेट तो इंक्रीज होगी लेकिन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई. तो ये कुछ केसेज में एडवांटेज है कि आपको और फाइन ट्यून सिग्नल मिल रहा है, कुछ केसेज में डिसएडवांटेज है. सो विल कम टू दिस अगेन इन एक्टिव फिल्टर्स. तो एक्टिव फिल्टर्स पैसिव फिल्टर्स तो पढ़ने पड़ लिए. अब पैसिव फिल्टर्स से बेटर होते हैं एक्टिव फिल्टर्स. तो काम तो इनका भी वही है कि यार दे सेलेक्ट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट उनका गेन
ग्रेटर देन वन होता है, अपन ने देखा था जो वी आउट बाई वी इन का रेशियो है, तो यार हाउ इज इट यूजफुल एंड वाई इज इट यूजफुल। तो बेसिकली फर्स्ट डेफिनेशन देख लो कि यू कैन ऑल्टरनेटली डिफाइन द पैसिव सर्किट्स एज सर्किट्स व्हिच हैव पैसिव एलिमेंट्स आर एल सी। दे आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स बिकॉज दे डू नॉट गिव एनी पावर टू द सर्किट, दे जस्ट कंज्यूम पावर। लेकिन एलिमेंट्स हो गए जैसे आपके बैटरी हो गया, करंट सोर्स हो गया, कोई भी वोल्टेज सोर्स हो गया, सो दे आर एक्टिव एलिमेंट्स क्योंकि दे प्रोवाइड पावर। तो एंड वी हैव स्टडीड अबाउट वन सच एक्टिव एलिमेंट ओप एम्प एज एन एम्पलीफायर। तो लास्ट वर्कशॉप में तो दैट इज एन एक्टिव एलिमेंट बिकॉज वो पावर बढ़ा देता है आपके सर्किट की, तो दे आर कॉल्ड एक्टिव फिल्टर्स। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, तो पहला एडवांटेज तो ये है कि यार सिंस इसमें ओप एम्प्स यूज होते हैं यू कैन कंट्रोल द गेन। आपको लास्ट वर्कशॉप में याद होगा कि यार ओप एम्प जब अपन यूज कर रहे थे तो ओप एम्प हैड सम गेन एज आर टू बाई आर वन और वन प्लस आर टू बाई आर वन और थिंग्स लाइक दैट, तो इसीलिए अपन गेन कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी डू इन एक्टिव फिल्टर्स इज अपन एक फिल्टर लेके नॉर्मल फिल्टर के आगे ओप एम्प लगा देते हैं। एक सेकेंड यार मेरा ड्रॉ नहीं हो रहा है, मैं पॉज करता हूँ एक सेकेंड। Just a couple of minutes, guys. Mohit is facing some technical difficulties. Just a couple of minutes. We're trying to get back.
विजिबल है क्या? या इट्स विजिबल। चलो सॉरी, दिक्कत होगी लेकिन हाँ। सो बेसिकली वे हुआ कि यार एक्टिव फिल्टर्स, वाई डू यूज एक्टिव फिल्टर्स? सो बेसिकली व्हाट वी डू इन एक्टिव फिल्टर इज कि वी टेक अ नॉर्मल पैसिव फिल्टर एंड वी कनेक्टेड विद एन ओप एम्प। सो दैट आपका आउटपुट क्या है नाउ, यू कैन विद दिस ओप एम्प यू कैन कंट्रोल द गेन। बिकॉज ऑफ दिस ओप एम्प यू नो इट हैज सम गेन ए वी एंड वी कैन कंट्रोल इट विद द फीडबैक रेजिस्टर्स यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, प्रीवियस वर्कशॉप। सो दिस इज वाई वी यूज एक्टिव फिल्टर्स। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन्स। द सेकेंड रीजन इज इट हैज़ नो लोडिंग प्रॉब्लम। सी, लोडिंग इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ द सर्किट्स। सो लोडिंग प्रॉब्लम बेसिकली अराइजेज बिकॉज ऑफ लोड। केयर वेन एवर कोई भी मेरा एक सर्किट है, अगर मैं उसके बाद कुछ आउटपुट लेना चाहता हूँ तो यूजअली वॉट हैपन्स, वी हैव टू टेक अ वेरी हाई आउटपुट, वेरी हाई रेजिस्टेंस। वाई? आपको याद होगा कि लाइक वेन वी डिराइव दिस फॉर अ सिंपल आर सी, कंसिडर ओनली दिस रेड पार्ट, ओनली दिस रेड सर्किट, कि वेन यू फाइंड आउट वी 0 1, सो वॉट यू डू इज यू अज्यूम दैट दिस दिस वी आई हैज ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस एंड ओनली आर वन एंड सी वन आर ऑफरिंग इम्पिडेंस एंड दिस वी नॉट वन इज अ ओपन सर्किट। बट वॉट हैपन्स वेन आई कास्केट दिस, वेन आई अटैच दिस ब्लू सर्किट ओवर हेयर, दिस ब्लू सर्किट ऑल्सो हैज सम रेजिस्टेंस। तो माई अजम्पशन ऑफ दिस बींग ओपन सर्किट इज ओनली वैलिड जब मेरा ब्लू सर्किट हैज़ इनफाइनिट रेजिस्टेंस। सी, ओनली पॉसिबल केस वेन वी नॉट वन इज ओपन सर्किट इज या तो इट इज एक्चुअली ओपन सर्किट और आई अटैच अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ओवर हेयर। सो माई अजम्पशन वुड ओनली बी करेक्ट वेन आई अटैच अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो फॉर दैट इन दिस स्पेशल केस, सिर्फ आई एम कंसिडरिंग दिस एज एन एग्जाम्पल, देर आर मेनी सच केसेस। सो इन दिस स्पेशल केस आर टू मस्ट be at least greater than 10 times of R1, then only my assumption would be correct. Otherwise, what will happen? Whatever I calculated this, I naught, V naught, VI, V naught by VI, so they would change. My cutoff frequency would be not as expected. So this is a problem. And similarly, and similarly, if say I'm not cascading it, even if I am just attaching a simple resistance over here, that resistance should also be very high. So that is, if it is not high, it would change my cutoff frequency of this circuit. So this is what is loading problem. So in passive active filters, kya hota hai? In active filters, this doesn't happen because op amp has infinite input resistance. If you might remember, we had taken for an ideal op amp. And even practical op amps have very high resistances of orders of mega ohms, so it never causes a problem. And the third thing is they are economical. So like up, you can get better gains that kyunki aapko jo output hai that comes out to be greater than the input, you can control that, to aapka voltage ka loss kam ho jata hai. Applications simple bahut jagah use hote hain, koi matlab nahi hai zyada application is here. Also active filters basically we discuss in four categories: low pass, high pass, band pass and band stop. So basically, अगर आपको ध्यान नहीं गया हो तो this is like bandwidth for these are just some definitions before we start with active filters. कि the ideal should have been this, you know, the ideal response for a low pass filter should have been this. कि the gain is V naught by V in is 1 and then it suddenly goes to 0. So to achieve this, also we have a concept in this active filters. कि how can we achieve close to this response? Like practically what happens, you have a very slant over here, matlab aapka bahut gande slope ka slant hota hai, this slope is very high, and if you calculate that slope now, it would come out to be 20 decibel per decade. So you can easily see that most of the common filters, this is the value. We will see this key, what is, how does it come 20 decibel. So for normal filters, so we try cascading, but still cascading reduces your output, because you know V out by V in is always less than 1. V out by V in is always less than 1 for every stage. So what will happen if you add 3 to 4 stages? This would go on decreasing from 1, it would be very very less than 1. So almost you would get a 0 output over here also, you would get like something like this. So this is of
practically no use, very small voltages of literally no use. So that's why we use active filters. So, and the bandwidth, we try to make the bandwidth equal to FC, exactly FC, but in actuality the bandwidth is a little bit greater than FC. Till over here also you would get around 10 FC also, you would get considerable amount of voltage at output. So these are just the definitions revised, which I talked earlier just now, that the bandwidth of a band pass filter would be FC2 minus FC1, and the center frequency would be FC1 root of FC1 into FC2. Over here I've used FC1 C2 because it was just in the image I took, so don't get confused over here. Just remember the concept that the lower cutoff is at 0.707, also the higher cutoff is at 0.707. Now we have one more definition added to this, which is called the quality factor. It is especially for band pass filters, and it is defined as F0 upon the bandwidth. So this is just a definition, remember it as it is. And there is, on base of this, we classify the filter into two types, narrow band filter and wide band pass filter. So if Q is greater than 10, it is known as narrow band, and Q is less than 10, it is known as wide band. And you can see that Q is directly proportional to F0 and inversely proportional to bandwidth. So that is why if Q is high, the bandwidth is low, and they are in inverse proportion. And one more thing, which is called the damping factor. So, or the damping factor kya hota hai? 1 by Q. So how does it come? Kaise aata hai? Wo sab apan abhi calculate karenge. Just now, right now, we are going through few of the definitions which would be necessary in the active filters. Now, the फिल्टर्स की अपन ने ये सब तो बात कर ली, क्वालिटी एंड डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है. सो नाउ वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स की, लाइक बिकॉज इन द पैसिव फिल्टर्स यू हैव जस्ट फ्यू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, या फिर बैंड पास होगा या फिर बैंड स्टॉप होगा. बट वॉट हैपन्स वेन यू इंक्रीज द ऑर्डर, वेन यू कास्केड, वेन यू एड ओप एम्प टू इट, the characteristics change a bit. There are, so we need to make approximations ki they do not ideally remain like a flat band and then attenuation. You cannot have ideal responses all the time, so there are very much variable responses as we cascade them or as we add an op amp or stuff to them. So that is why we have made, basically there are 5 types of approximations which we can make for filters. See, like this if this thing I say this is a low pass filter, this is approximation. Ideally, it would not behave like a flat band, then it would fall instantly. It would have some, it might have some kind of ripples. It might be attenuating from the start also. It might be attenuating from here only. It might go like this also. So basically, the most 3 common assumptions we make are the Butterworth assumption, or we call it the Butterworth characteristics of filter response, or the Chebyshev characteristic of filter response, or the Bessel characteristic of filter response. So as you can see in the graph, the Chebyshev has some ripples in it. We will explain why. Bessel mein aapka flat band wala part kam hota hai. This you can see that the flat band over here, till here I have flat band, then it starts attenuating. And for Butterworth filter, you can see it has the largest part of flat band. It is flat till over here and then it starts attenuating. So basically, this is how we identify any filter. While designing filter, you search for Bessel filter of third order. So you would get a design, then you understand that and you use it in your, for your purposes. So basically, this is how we go. So first thing is the Butterworth filter. The thing you need to remember here is ki it has a roll-off rate of minus 20 decibel per decade. As we have seen in most of our filters, it is the most commonly used filter and the most commonly used approximation. It is like a flat band and then it rolls off at 20 decibel per decade. So filters with Butterworth are used when we want a constant gain. You can see that till the cutoff frequency, it has almost constant gain. So that's why we use Butterworth filters. And it has, or which we call as flat amplitude response. You can see that the amplitude is flat, the gain is constant, so the flat amplitude response, because till the cutoff frequency, it is almost flat. So you just need to remember them as characteristics, and you just need to know when to use what type of filter. So you will have n number of designs for Chebyshev filter, for Bessel-Worth, for Butterworth. So you just need to know what type of characteristic I need to use right now.
So Chebyshev, these are filters, usually filters, they have ripples and overshoots. This usually occurs in higher order filters, because higher order filters have more complex like RNC relations. So because of these poles and zeros which we taught you, so because of this you can understand one thing, that because of the poles these ripples come. We'll not be going into deriving all these characteristics and how the graphs come like this, but these are just approximations. Remember them ki, ki whenever you have a circuitry, most probably it would be a Butterworth or a Chebyshev filter or a Bessel characteristic filter. So whenever in designing, you just search a Bessel filter of this much order, of this many poles, you will look at this and then you inculcate it in your design. The Bessel, when is it used, are used for filtering pulse wave without distorting the shape of waveform. So basically, when you might have heard about things like envelope detectors, if you have not, no worries, but they are used in things like this. Envelope detectors is the most common use of it. Again, something which I would like to state very clearly, ki till now I think some of you might have got this, but still I would like to tell it again, that the transfer function is the filter itself. You do not need to know about the design of the filter or many things. You can still work, if you are given the transfer function, you can still work with the filter very finely. Aap sab kuch nikal sakte ho filter ke bare mein just by knowing what the transfer function is. So basically, if you are given something like Xbox, you don't know what is inside the box, but you are given ki haan, the input is Vi and for that it is V0, and the transfer function I represent by H. So say H you are given as V0 by Vi. I have left these brackets blank because I don't know what function it is. Like, it may be a function of frequency, it may be a function of R, L, C, anything it can be a function of. So it doesn't matter ki yaar wo kis cheez ka function hai. What matters it ki I have been given the transfer function. So with the transfer function, the first thing I should do is find out the poles and zeros. And with that, I can first get an idea about ki what is the order. See, order is equal to the number of poles, and order is very important. Why is it important? Because order is ki bhai kitne stages of cascading hui hai. If you have a second order filter, you can say that isme do cascading stages hain, or maybe even if it is simply a second order filter, you can say that isme do poles hain. To aap uski roll off rate decide kar sakte hain ki most probably it would be a filter which has roll off rate of minus 40 decibel per decade. So that is a very important aspect when you are designing a filter, ki like kitne range mein wo attenuate hoke zero ho jata hai. And cutoff frequency you can find out. So apan dekhte hain kaise, ki like for example, you have been given HS as V0S by VIS. So you know ki 1 upon CS into upon R plus 1 upon CS. Aapko ye given hai, ye part given hai, ki like HS is this, this is the HS. First thing you do is find out the pole. You can see over here, when I simplify it, the pole comes out at S equal to minus 1 by RC. So first information I get is this is a first order filter. And the second thing I can see over here, if you replace S by omega, you would get the cutoff frequency. Like if you take the modulus, so omega is 2 pi f. So you would get the cutoff frequency as 1 upon 2 pi RC. तो विदाउट नोइंग वॉट द फिल्टर वॉज कि यार फिल्टर में क्या था कैसे था यू कैन ईजिली टेल कि हाँ यार कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस फिल्टर इज माइनस वन बाय वन अपॉन टू पाई आर सी एंड ऑल्सो बाई सींग दिस रिस्पॉन्स लाइक यू कैन सी अ जनरल कंक्लूजन कि लाइक अगर ये हाई पास फिल्टर होता तो यहाँ पे आर अपॉन एक्स एक्स सी प्लस आर होता तो सिर्फ मेरे डिनोमिनेटर में ही नहीं आती बल्कि मेरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक एस वाली टर्म आती. सो वो हाई पास फिल्टर हो जाता एंड दिस मस्ट बी अ लो पास फिल्टर क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में सिर्फ मेरे डिनोमिनेटर में एक एस वाली टर्म आ रही है. तो दिस इज जस्ट अ वेरी जनरल कंक्लूजन फॉर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर. इट माइट नॉट अप्लाई फॉर हायर ऑर्डर्स बट यू कैन गेट सम कंक्लूजन कि हाँ यार ये माई फिल्टर मस्ट हैव बीन अ लो पास आर सी फिल्टर. So this is what is the use of transfer function. Ki just by knowing the transfer function, aap itta information nikal sakte ho filter ke bare mein. Even you can go on to designing a filter. So first is, whenever you have a transfer function, the first thing you should do is factorize the denominator and get the poles. And also there is one more important catch over here. Ki like, say you are not given the transfer function, but you are given a design. You are given just a
design of the filter. So one more, you can directly find the number of poles from this. So number of poles is equal to the number of reactive elements. What are reactive elements? Which offer reactance. See, and basically they are capacitor and inductor. So not much to fuss about here. Okay, like they have some reactance term, so they are reactive elements. But one thing you should note is you should apply them on reduced circuits. Like aap pehle circuit ko simplify kare. Like over here in this example, you can see okay, I have this C, C and then R and R. So, but you can see that I can replace these two capacitors by a single equivalent capacitor. So there is no need for two capacitors. So I will not consider them as two capacitors. I will consider them as only one capacitor. So that means it will have only one pole. This is one set of C and this is also one set of R. I do not need two resistors. I can make them into an equivalent one. But over here in this circuit shown below, this one you need these separate capacitors. You cannot convert, because see, whenever there is a capacitor and a resistor, aap aisa kuch nahi kar sakte ki I combine these two, ki somehow I combine these two and I convert them into some equivalent cheez jiska impedance in dono ke barabar ho, jiska impedance equal to xc plus r ho. Main koi aisi cheez nahi bana sakta hu jiska impedance xc plus r ho. Because R is a passive element, C is a reactive element. तो आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जिस चीज़ का इम्पीडेंस एक्स सी प्लस आर हो. तो बेसिकली यू हैव टू कीप देम बोथ इन. तो इसीलिए यहाँ पे दो कैपेसिटर्स सेपरेटली आएंगे ही सही. सो देयर आर टू पोल्स. सो यू डू नॉट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट अंटिल अनलेस यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस. बट दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट विच आई ऑलवेज लाइक टू रिमेम्बर. तो नाउ एक लास्ट डेफिनेशन के बाद फिर अपन फिल्टर्स के साथ चालू हो जाएंगे. तो फर्स्ट थिंग इज कि यार बेसिकली एक्टिव फिल्टर्स का डिज़ाइन में बस यही बात है कि आपको बेसिक पार्ट तो सिर्फ आपको पैसिव फिल्टर पे ही फोकस करना है. बिकॉज दिस इज़ व्हाट टिल नाउ वट एवर यू हैव लर्न वही अप्लाई होगा. बस उसके बाद में एक नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में नेगेटिव फीडबैक के साथ एक ओप एम्प लगा देता हूँ. यू मस्ट हैव स्टडीड नेगेटिव फीडबैक एंड नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इन प्रीवियस वर्कशॉप. बट वी विल रिवाइज इट टुडे आल्सो, डोंट वरी. अगली में जल्दी से रिवाइज कर लेंगे. तो दिस इज़ व्हाट इज़ डन कि यार एक फिल्टर मैंने लगा दिया पैसिव फिल्टर और उसके बाद मैंने को पैम्प लगा दिया. तो पैसिव फिल्टर से क्या, विद दिस थिंग आई कंट्रोल माय फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड विद दिस थिंग आई कंट्रोल माय आउटपुट कि यार आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, द मॉड ऑफ माय आउटपुट. तो दिस कंट्रोल माय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इवन द फेज ऑफ माय आउटपुट और ये ओप एम्प मेरा कंट्रोल करेगा आउटपुट के वैल्यू को. So simply active filter is an amplifier, a negative feedback circuit and RC circuit. Simple. Op amp kis mein hota hai? Non-inverting configuration mein hota hai. So this is what is a general construction of active filter. And damping factor ki ek alternate definition which is 2 minus R1 by R2. Only in this case, jab ye aise, and mostly aapko isi configuration mein milega, kisi bhi active filter mein. So you can also call it a very general definition. Ek to apne padhi thi 1 upon Q. और एक डेफिनेशन हो गई ये. तो द पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर कि द वैल्यू ऑफ डी एफ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. तो आप इसको देख सकते हैं कि डैम्पिंग फैक्टर, आई टोल्ड यू कि जितना हाई ऑर्डर होगा उतना जल्दी रोल ऑफ रेट होगा, तो उतना ही जल्दी डैम्प होएगा जो भी मेरा डैम्पिंग उतनी फास्ट है, एटेन्यूएशन उतना फास्ट है. तो दिस इज जस्ट अ वेरी जनरल कंक्लूजन. एक जो अभी मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया कि अ पोल इज सिंपली वन रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, मैंने वो जनरल टर्म बताई थी क्योंकि यू माइट फाइंड मतलब बहुत रेयर होता है लेकिन आर एल सर्किट्स मिल जाए आपको, लेकिन वो होते ही नहीं है. बट स्टिल आई टोल्ड यू वेरी जनरल टर्म, इट माइट बी यू हैव लाइक टू रेजिस्टर्स एंड अ कैपेसिटर. तो आप उसको दो सेट्स कंसिडर नहीं करेंगे, आप उसको स्टिल सिंगल सेट ही कंसिडर करेंगे. तो बेसिकली पोल्स अराइज ड्यू टू दिस रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड यूजली एक रिएक्टिव एलिमेंट के साथ एक पैसिव एलिमेंट होना ही चाहिए, होता ही है. तो दैट्स वाई यू कैन ऑल्सो कंसिडर वन आर सी सेट एज वन पोल. सो इफ सम ऑफ यू, और ये तो बताई दिया कि रोल ऑफ रेट जितनी पोल उतनी रोल ऑफ रेट, पोल इज इक्वल टू द ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू द पोल. तो पोल और ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. ना हो अगर किसी को नेगेटिव फीडबैक याद ना हो, ऐसे जो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, ये इसका रिस्पांस तो अपन ने पढ़ लिया,
आधा पार्ट अपना हो चुका है एक्टिव फिल्टर का, बस आधा और देखना है कि यार ओपैम्प क्या कर रहा है इसमें। पैसिव फिल्टर तो अपना काम कर दे रहा है कि यार मेरा जो भी आउटपुट है समथिंग लाइक, अगर ये लो पास होता तो मेरा आउटपुट आ जाता ऐसा कुछ टाइम्स भी। अब मैं इस चीज़ को एम्पलीफाई कर रहा हूँ मेरे एम्पलीफायर से, तो नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है यार, आपको ये दो तो लास्ट में डिराइव कराई होंगी लास्ट बार में, ये वी नॉट तो बताए, वी नॉट सिंपल आप किसी भी ओपैम्प के गेन को कैसे लिख सकते हो, वी नॉट विल बी इक्वल टू वी प्लस माइनस वी माइनस इन टू द गेन। और यार आप यहाँ पे देखिए कि वी एक्स और वी माइनस आर इक्वल, तो वी माइनस आई कैन राइट एज वी नॉट इन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। तो यार इन दोनों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि यार वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू, कि जैसे वी नॉट मेरा इंक्रीज होगा, वी नॉट वी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इफ सम वॉट ऐसा कुछ होता है कि यार मैंने यहाँ वी आई बढ़ा दिया या वी प्लस, उसकी वजह से वी प्लस बढ़ गया या वी माइनस घट गया, कुछ हुआ यहाँ पे जिस वजह से मेरा वी नॉट इंक्रीज होता है, सो माई वी एक्स वुड इंक्रीज एंड वी एक्स इंक्रीज दैट इम्प्लाइज माई वी माइनस इंक्रीजेज एंड माई वी माइनस इंक्रीजेज दैट इम्प्लाइज माई वी प्लस माइनस वी माइनस दिस थिंग वुड डिक्रीज बिकॉज वी माइनस इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इम्प्लाई एंड सिंस वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिफरेंस माई वी नॉट वुड अगेन डिक्रीज। सो यू सी वी नॉट का इंक्रीज लीड्स टू अ सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन विच लीड्स टू अगेन वी नॉट का डिक्रीज। सो दिस इज वॉट इज नेगेटिव फीडबैक, अगर कोई भूल गया हो तो रिविजन था छोटा सा। अगेन वी हैव द सेम डेफिनेशन ओवर हेयर की आई टोल्ड यू दैट दिस पैसिव फिल्टर डिटरमाइंस माई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, सो देर विल बी नो चेंज इन माई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, इट इज़ ओनली डिटरमाइंड बाई द आर सी सर्किट, इसका कोई रोल नहीं होता, इसका रोल सिर्फ गेन के लिए है। और ईच आर सी सेट इज इक्वल टू अ पोल, ग्रेटर रोल ऑफ रेट्स कैन बी अचीव विद मोर पोल्स एंड ईच पोल लीड्स टू इंक्रीज ऑफ 20 डेसीबल पर डेकेड। सो सिंपली अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास एक पोल है, अभी चलो इस पर आ जाएंगे, एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, तो सिंपली एफ सी वुड बी 1/2 πRC, इट वुड बी सेम फॉर बोथ लो पास एंड हाई पास, इट वुड नॉट चेंज, एंड फॉर बैंड पास आपका वही रहेगा लोअर कट ऑफ हायर कट ऑफ, तो देर इज़ नो चेंज। एक्टिव फिल्टर सिमिलर टू पैसिव फिल्टर, जस्ट गेन बदला है। और एक चीज़ अपन को देखनी है कि अगर मैं जितने पोल्स लगा दूंगा उतनी मेरी रोल ऑफ रेट इंक्रीज हो जाएगी, सो इट वॉज 20, देन इट बिकेम अगर दो पोल हैं तो 40, तीन पोल है तो 60। सो यू कैन सी दिस इज़ माई आइडियल रिस्पॉन्स एंड एज आई इंक्रीज द नंबर ऑफ पोल्स माई रिस्पॉन्स इज गेटिंग क्लोजर टू द आइडियल रिस्पॉन्स, सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम माई फिल्टर्स। कास्केडिंग, अब कास्केडिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने को है कि यू कैन डू कास्केडिंग इन टू नंबर ऑफ वेज, है ना। से एग्जाम्पल मेरे को एक तीन पोल का फिल्टर चाहिए था, तो यार मैंने क्या करा कि ये देखो एक ये सिंगल पोल फिल्टर है ना, सी दिस इज अ सिंगल पोल फिल्टर, उसके बाद मैंने एक एम्पलीफायर लगा दिया, फिर मैंने एक सिंगल पोल फिल्टर, फिर एक एम्पलीफायर, फिर एक और सिंगल पोल फिल्टर और एक एम्पलीफायर। तो आप इस टोटल को एक एक्टिव फिल्टर कंसिडर करो, दिस इज वन एक्टिव फिल्टर विद अ वन पोल। तो व्हाट आई डिड, आई अटैच्ड थ्री एक्टिव फिल्टर्स वन आफ्टर दी अदर टू गेट अ थ्री पोल फिल्टर। आप देख सकते हैं कि यार एक पोल इससे, एक पोल इससे और एक पोल इससे, हो गए मेरे तीन पोल्स हो गए। बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे बिकॉज दिस इज यूजिंग माई एम्पलीफायर्स अननेसेसरीली। एक पोल फिल्टर से इतना आउटपुट एटीन्यूएट नहीं हो जाता है कि यार मेरे को एम्पलीफायर लगाना पड़े। सो यूजुअली व्हाट वी प्रेफर इज वी अटैच टू फिल्टर्स एंड देन वन एम्पलीफायर विच वी विल कम टू, अपन लेटर स्लाइड्स में देखेंगे। बट जस्ट रिमेंबर कि दिस इज वन ईजियर वे, मोस्ट मतलब सबसे बिना दिमाग का तरीका ये है कि यार विदाउट थिंकिंग एनी थिंग यू जस्ट अटैच फिल्टर्स लाइन टू लाइन एंड दे आर कास्केटेड। फिल्टर ओपैम्प, फिल्टर ओपैम्प, फिल्टर ओपैम्प, सो नंबर ऑफ फिल्टर्स इक्वल टू नंबर ऑफ RC pairs are equal to number of poles. तो बेसिकली इसमें भी सेम ही रहेगा, लो पास फिल्टर ऑल डेफिनेशन आर सेम, ऑल द एडवांटेजेस आर सेम, कि सिग्नल एटीन्यूएशन कंट्रोल हो जाता है, ये मतलब गेन अपन कंट्रोल कर सकते हैं, लोडिंग प्रॉब्लम नहीं होगी और फ्रीक्वेंसी एडजस्टेबल हो जाती है, सेम सर्किट होगा, सेम फॉर्मूलेज, आर इक्वल ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 πRC, इवन द रिस्पॉन्सेज वुड बी सेम, रिस्पॉन्स वुड नॉट चेंज, सिंगल पोल है ओप एम्प है तो कोई रिस्पॉन्स चेंज नहीं होगा। सिमिलरली एट 3 decibel योर कट ऑफ वुड अकर, दिस इज द गवर्निंग फैक्टर एंड दिस इज द ओनली द एम्पलीफायर पार्ट।
रोल ऑफ रेट भी चेंज नहीं होगी टिल इट इज वन पोल, ओनली पोल्स विल डिसाइड योर रोल ऑफ रेट, एम्पलीफायर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एम्पलीफाई कर रहा है. तो अगर आपको लास्ट वर्कशॉप का थोड़ा याद हो तो वी राइट फॉर अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द गेन इज रिटन एज 1 + R1 / R2. सो दिस वॉज टॉट इन द प्रीवियस वर्कशॉप, आप जाके देख सकते हैं अगर डेरिवेशन चाहिए हो तो, बट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट. सो बेसिकली वॉट इज हैपनिंग विद यू, यार आपने एक पैसिव लो पास फिल्टर लिया तो विद दैट उसका फॉर्मूला आपका ऐसा होगा कि यार वी नॉट इज एक्स सी अपॉन आर प्लस एक्स सी इंटू वी, आई एम कंसिडरिंग लो पास वन. फिर उसके बाद आपने एक ओपैम्प लगा दिया, ओपैम्प का फॉर्मूला ये है गेन ए टाइम्स, तो जो भी मेरा इनपुट आया वो ए टाइम्स एम्पलीफाई हो गया एंड आई गेट माई फाइनल आउटपुट एज वी आई इंटू 1 + R1 / R2. तो आपको बस इसको ब्रेक कर देना है और कुछ नहीं करना है, आपको बस दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना है. तो दिस इज वॉट योर एक्टिव फिल्टर्स आर, जो पैसिव में पड़ा है बस उसी को उसी के आगे के एम्पलीफायर लगा देना है और नथिंग मोर. नंबर ऑफ पोल्स पैसिव फिल्टर से डिसाइड होंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पैसिव से डिसाइड होगी, गेन आपका इन्वर्टिंग ओपैम्प से डिसाइड, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प से डिसाइड होगा. और यहाँ इस डायग्राम में देखिएगा मैंने लाइक आई यूज्ड वी नॉट वी इन वी आई एंड वी आउट, ऑल दीज आर फोर डिफरेंट टर्म्स. तो जस्ट बी केयरफुल ओवर हियर कि वी नॉट इज दिस एंड दिस थिंग इज गोइंग टू द प्लस टर्मिनल एंड दिस थिंग इज गेटिंग एम्पलीफाइड, तो दिस इंटू 1 + R1 / R2 दैट वुड बी माई आउटपुट. तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स. बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि यार आई टोल्ड यू ना कि दिस इज़ नॉट वेरी मच बेनिफिशियल कि यार आई अटैच अ सिंगल पोल फिल्टर, आफ्टर दैट आई अटैच अ ओप एम्प, देन आई अगेन अटैच अ फिल्टर, देन अगेन ओप एम्प, दिस इज़ वेस्टिंग माई ओप एम्प्स, मेरे को इतना नीड नहीं है ओप एम्प्स का. तो वॉट आई डू, वॉट इज़ अ प्रिफर्ड वे इज दैट यू अटैच अ टू पोल फिल्टर देन एन ओप एम्प. और फिर अगर आपको मान लीजिए तीन पोल का फिल्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे, दो पोल का फिल्टर फिर ओप एम्प लगाएंगे और फिर एक पोल का फिल्टर लगाएंगे. सो दिस वुड बी मच मोर इकोनॉमिकल और मच मोर बेटर, क्योंकि यार देखिए पोल्स आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एटीन्यूएशन, जितने पोल्स उतना जल्दी एटीन्यूएशन, इतनी बार बोल दिया आप शायद ध्यान आ गया हो, बट स्टिल मेरे दो पोल से भी इतना एटीन्यूएशन नहीं होता कि मेरा सिग्नल एकदम डाइवर्ट हो जाए. तो स्टिल देर वुड बी इनफ सिग्नल कि जिसको मैं एम्पलीफाई करके एक अच्छी आउटपुट वैल्यू ले पाऊँ. So that's why we attach two. So whenever we have to create filters more than two or three poles, so we try prefer this Salen key filter. So what is Salen key filter? Like you can just remember the circuitry. It has a feedback path with a capacitor. This is for low pass one. High pass के लिए feedback में resistor आ जाएगा और इधर एक capacitor आ जाएगा. So you can see it has two RC circuits. You can see एक and दो. Basically we do not go into the derivation of how is it happening, what it is happening. You can just consider that it has a one feedback path which goes to the capacitor and at the input also it has a RC circuit. So two parallel RC paths hain iske paas. So this is how they get you two poles. It has two reactive elements CA and CB. That's why it has two poles. This is the basic structure. You can directly use it in your designs. This is what is the critical frequency of a Salen key filter, 1/2 πRA/RB into CACB. This is much more same. आपको ध्यान होगा कि cascaded filter जैसी ही है इसकी frequency. If you remember, अभी थोड़ी slides पहले देखा था कि cascaded filter में भी वही same frequency होती है, 1/2 πR1/R2C1C2. So basically, this is a cascaded filter जिसके बाद मैंने एक op-amp लगा दिया है. Nothing new. फॉर्मुलेस तो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं कि दिस इज डिटरमाइन द, पहली चीज है डिटरमाइन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. आई हैव गिवन यू द वैल्यूज आर इक्वल एज यू कैन सी फॉर सी ए सी बी आर इक्वल आर ए आर बी आर इक्वल. सो दिस आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट तो क्यों ही करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन का तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1/2 πRC. सो विद दैट यू वुड गेट 7.23 kHz. I do not want you to solve this one. Just get the concept. यार while designing आप सोच रहे हो भैया आपने तो same values ले ली, आपके लिए तो आसान होगी calculation, क्या मतलब है. But this is not what you want to convey here. यार usually designing आपके हाथ में. Whenever you are designing a circuits, try prefer to take these values as equal. क्योंकि आप ही का काम आसान होगा.
आप ही को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और सारा वैल्यूज निकालना आसान होगा, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है ना. तो यू जस्ट हैव टू, एवरीथिंग इन अ फिल्टर इज गवर्न बाय द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द गेन. आपको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि आर ए आर बी मैं इक्वल ले रहा हूँ या अनइक्वल ले रहा हूँ. तो ट्राई टेकिंग देम टू बी इक्वल, इट वुड ईज योर वर्क, है ना. तो वाइल डिजाइनिंग ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो कि यार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना. तो बस ये डिज़ाइन को दिमाग में रखो कि हाँ यार दो पाथ रहते हैं, अब मेरे को मतलब नहीं है. आई जस्ट हैव टू टेक द आर एन सी एज इक्वल एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन गेट द फ्रीक्वेंसी. वाई टू टेक फोर डिफरेंट वैल्यूज फॉर फोर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, कि लाइक वेन आई कैन कंट्रोल. तो इससे मेरे को क्या होगा, अगर मेरे को कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, आई कैन जस्ट चेंज बोथ दी सी विद द सेम वैल्यू. इफ़ यू टेक दम अन इक्वल ना, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू बैलेंस द गेन एंड एवरी थिंग. तो कीप दिस थिंग इन माइंड. द सेकेंड थिंग इज सेट द वैल्यू ऑफ आर वन फॉर बटरवर्थ रिस्पॉन्स. गिवन दैट बटरवर्थ रिस्पॉन्स फॉर सेकेंड ऑर्डर इज 0.586. सी यू रिमेंबर द बटरवर्थ रिस्पॉन्स विच इज़ द मोस्ट कॉमन यूज रिस्पॉन्स, कि यार यहाँ तक तो फ्लैट बैंड है और फिर उसके बाद एटीन्यूएट हो जाता है. अगर एक पोल है तो 20 से होगा, बट सिंस यहाँ पे दो पोल हैं तो यहाँ पे मेरा 20 से नहीं, 40 dB पर डेकेड से एटीन्यूएट होगा. तो यार दिस इज़ द यूज, जो अपन ने बोले थे ना कि बटरवर्थ है बेसेल है, उनका यूज़ क्या हो रहा है. तो बटरवर्थ का यूज़ ये है कि यार बटरवर्थ सुनते हैं आपको पहला चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि इट हैज़ फ्लैट एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स. दूसरा चीज, दिस वुड सिग्निफाई कि यार सेम गेन है. सेम गेन का आपको याद होगा कि यार नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का गेन क्या है, 1+R1/R2 होता है. सो अब ये अपना स्टैंडर्ड है कि वेन एवर वी स्टेट फॉर अ बटरवर्थ फिल्टर की यार जो भी ये रेशियो में स्टेट करता हूँ, तो दिस इज द रेशियो ऑफ R1/R2, बिकॉज 1 तो कॉन्स्टेंट ही है ना, मतलब 1+ ये चीज़ स्टेट करने का सेंस नहीं है. तो जब भी ऐसा कुछ रेशियो स्टेटेड होगा तो दिस मीन्स माई रेशियो ऑफ R1/R2. एंड वाई इज इट सो, यू कैन सी बटरवर्थ का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कीप्स द गेन कॉन्स्टेंट. और मेरा गेन कब कॉन्स्टेंट रहेगा, गेन मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ओप एम्प पे ही तो डिपेंड कर रहा है. और मेरे ओप एम्प का गेन क्या है, 1+R1/R2. और ये चीज़ कांस्टेंट कब रहेगी, जब मेरा R1/R2 कांस्टेंट रहे. तो इसीलिए दिस 0.586 शुड बी माय R1/R2. तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ को ऐड कर देता हूँ. तो अगर ये वैल्यूज हैं तो सिंपल आपको R1/R2 के रेशियो को 0.586 पुट कर देना है. सो यू विल गेट दिस कि भाई 586 किलो ओम, बिकॉज आपको R1 की वैल्यू दी हुई है 1 किलो ओम. सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इस पर. एंड यूजुअली मेन चीज़ यही गेन करनी है अपन को कि यार डिज़ाइन कैसे करें. तो ट्राई टू कीप देम सेम, ताकि आपको अगर कभी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज करना हो तो आप इक्वली दोनों की वैल्यू चेंज करें और काम आसान हो गया. और गेन को कांस्टेंट रखना है क्योंकि बटरवर्थ है, दिस इज़ व्हाट यू विल बी यूजिंग. और बेसेल और वो अपन यूजुअली नहीं करेंगे बिकॉज बट चलो अपन बता दें उसको, एंड में डिस्कस करेंगे उस पार्ट को. सो From this, you must be knowing that since silent key filter is a better alternative for single pole filters, so we suggest that whenever you have to use more than two pole filters, so you use them as two, then one. अगर आपको four pole का use करना है, तो you use two poles and two poles. You do not use four single pole filters. Try using two poles filters. और poles में इससे ज़्यादा भी नहीं बढ़ाऊँगा, क्यों? क्योंकि फिर मेरा attenuation बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो फिर मेरे एम्पलीफायर का सेंस नहीं रहेगा तीन पोल्स के बाद. सो दैट्स वाई टू इज़ अ वेरी ऑप्टिमम नंबर. सो वेरी वाइल डिजाइनिंग वी सजेस्ट यू टू यूज टू पोल फिल्टर्स, एंड यूजुअली दिस इज हाउ यू विल गेट इन योर क्वेश्चंस. तो आपको इसको सॉल्व करना तो आ गया होगा. दिस पार्ट का सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और ये पार्ट का मेरे को गेन लगाना है. सो दिस इज वॉट विल हैपन इन ऑल द एक्टिव फिल्टर्स एवरीवेयर. सो देर इज नॉट मच टू लर्न अबाउट. बस आपको पैसिव फिल्टर्स ही समझना था और ओपैम्प को इन नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन समझना था. तो दिस इज़ हाउ यू गेट टू योर एक्टिव फिल्टर्स. सो वी कैन हैव वन मोर एग्जांपल, बट इट इज़ तो वी हैव वन मोर एग्जांपल आल्सो. दिस इज़ अ वेरी इजी वन. दिस इज़ जस्ट फोर पोल फिल्टर्स. सो वन थिंग विच यू कीप इन माइंड, दिस इज़ फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल. समटाइम्स यू गेट दीज एग्जाम्स इन योर, एक ऐसे नहीं कॉलेज वाले एग्जाम्स नहीं, एग्जाम्स फॉर इंटर्नशिप्स एंड इंटरव्यूज इन ऑल. दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि लाइक वेन एवर वी आर डिजाइनिंग फिल्टर्स, वी ट्राई टू यूज़ इक्वल वैल्यूज फॉर द कॉम्पोनेंट्स.
So like here you are given, determine the capacitance values required to produce a critical frequency of this. If all the resistors in RNC are same, you are given R की value आपको सबकी same दे दी है, लेकिन आपको capacitor की एक की भी value नहीं दी है. तो the basic assumption you should make कि यार since the designer की is रहे, तो इसलिए designer tries to keep all of them as constant. और एक logical explanation इसका ये है कि यार if my every C would be different, the cutoff frequency of both the stages should have to be same. अगर वरना फिर ये मेरा फिल्टर वर्क ही नहीं करेगा अगर दोनों की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम हो नहीं हुई तो. हाउ कैन दे वर्क सिंक्रोनसली इफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर नॉट सेम. तो दैट्स वाई टू कीप द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों स्टेजेस के जो एफ सी है वो इक्वल होने चाहिए. तो दैट लीड्स मी टू द कंक्लूजन कि दोनों के सी इक्वल होने चाहिए. तो दिस इज हाउ आपको बस कॉमन सेंस लगाना है फिल्टर सॉल्विंग क्वेश्चंस के सॉल्विंग के लिए. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपको रेयरली ही मिलेंगे, और मिलेंगे तो उनमें भी आपको कॉन्सेप्ट हमने बता ही दिया कि पहले एक फिल्टर को सॉल्व करो, कट ऑफ आ गया मेरा है ना, और मेरा वी आउट भी आ जाएगा यहाँ का, देन आई तो मेरा यहाँ का वी आउट आ जाएगा, वी आउट इज द सॉरी, और यहाँ का वी प्लस निकाल लूंगा मैं, वी आउट एंड वी प्लस आई कैन फाइंड आउट, एंड ऑल्सो आई कैन फाइंड आउट वी माइनस. उस पर ऑप एम्प के गेन का फॉर्मूला लगा दिया, देन अगेन आई अप्लाई द फिल्टर फॉर्मूला, और फिर वापस से गेन का फॉर्मूला. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व योर सर्किट्स. कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं. तो दे यूजुअली कम एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यू माइट ऑल्सो गेट देम इन योर क्विज, बट उसका कोई सेंस नहीं है. आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी रहेंगी, वो कोई ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच नहीं है. सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखना कि यार अगर कास्केड कर रहा हूँ तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी सेम, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड वाइल कास्केडिंग आई ट्राई टू यूज टू पोल फिल्टर्स, एंड बेस्ड ऑन दिस रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है इसका, सिंस बटरवर्थ इज अ फ्लैट रिस्पॉन्स थिंग, तो ये चीज़ तो मेरे को गेन कॉन्स्टेंट रखना है. टू कीप द गेन कॉन्स्टेंट आई शुड कीप द रेशियो ऑफ आर वन बाई आर टू कॉन्स्टेंट. तो आपको ऐसी लॉजिकल डिडक्शंस करना ज़्यादा नहीं है, बस ये दो ही हैं जो हमने बताए हैं, ये आपको करने होंगे जगह जगह पे. बाकी सब आपके सिंपल हो जाएगा, कि जैसे हाई पास फिल्टर भी है, व्हाट यू हैव टू डू इन हाई पास फिल्टर, सिंपल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/2 πRC, आफ्टर दैट अप्लाई द गेन, रोल ऑफ रेट सिंगल पोल है तो 20 dB/dekade, नथिंग न्यू. गेन इज ऑफ क्लोज लूप गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प 1+R1/R2, नथिंग न्यू इन दिस. यहाँ पे भी आपका सैलिन की हाई पास फिल्टर बन सकता है, इट वुड बी अ सेकेंड ऑर्डर फिल्टर, रोल ऑफ रेट वुड बी -40, और आप सीधा देख सकते हैं कि बस यहाँ आर ओ सी की पोजीशन इंटरचेंज होगी एज कम्पेयर टू लो पास. तो यहाँ पे भी ऐसा हो गया कि दो सेट्स ऑफ आर सी हो गए हैं मेरे पास, तो इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर फिल्टर, दो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इफ दे ऑल आर इक्वल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1/2 πRC, वरना ये वाला फॉर्मूला लगेगा. अगेन फॉर हाई पास फिल्टर ऑल्सो द सेम लॉजिक गोज, कि व्हेन यू कास्केड देम ट्राई कास्केडिंग देम इन टू पोल फिल्टर्स, इट वुड बी मच मोर इकोनॉमिकल एंड बेटर डिजाइन वाला. अदरवाइज यू आर फ्री टू यूज सिंगल पोल फिल्टर्स एज मेनी एज यू लाइक. नाउ अगेन वी कम टू बैंड पास फिल्टर. बैंड पास फिल्टर का बेसिक लॉजिक तो शायद पिछले स्लाइड में समझाया था, कि यार आपका जो भी वोल्टेज आ रहा है आप क्या करते हो, एक बार उसको एक हाई पास से भेज देते हो, और अच्छा और फिर उसके बाद आप उसे लो पास से भेज देते हो. तो हाई पास से क्या होता है कि यार एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर का सब एक्सेप्ट हो जाता है, लो पास से क्या होता है एक फ्रीक्वेंसी के नीचे का सब एक्सेप्ट हो जाता है, तो यू गेट अ बैंड पास फिल्टर. तो हेयर ऑल्सो कुछ भी नहीं करना है बस आपको. अगर आपको कभी सॉल्व करना पड़ता है तो व्हाट यू डू इज सॉल्व फॉर हाई पास, देन सॉल्व फॉर लो पास, कट ऑफ ऑफ हाई पास, कट ऑफ ऑफ लो पास, उससे आपकी एफ सी वन आ गई, एफ सी टू आ गई, सिंपल. और कुछ आपको गवर्न करना ही नहीं है फिल्टर में. आपको ओनली दो ही चीज़ देखनी है कि यार आउटपुट इस टू इनपुट का रेशियो क्या आ रहा है, दैट यू कैन गेट फ्रॉम द गेन ऑफ ओप एम्प्स. दो ओप एम्प्स हैं तो दोनों का गेन लगेगा. पहले वी इन से अपन यहाँ का वोल्टेज निकाल लेंगे, और फिर अपन वी आउट निकाल लेंगे, मतलब यहाँ का वी आउट निकाल लेंगे पहले का,
एंड देन अगेन गेन फॉर्मूला लगा के फाइनल भी आउट निकाल लेंगे. नथिंग न्यू, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने मिलते भी नहीं है क्योंकि कुछ इनमें दिमाग लग नहीं रहा है. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे रुक जाता है हर कोई, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम, लो लोअर कट ऑफ हायर कट ऑफ, नथिंग न्यू ओवर हियर. दीज आर सम फॉर्मूलाज यू कैन यूज, वील नॉट गो इन टू द डेरिवेशंस ऑफ दीज फॉर्मूलाज मच, बट कि हाँ एफ नॉट आपको ये याद ही रखना होगा कि इट इज ऑलवेज रूट एफ सी वन इंटू एफ सी टू. डेरिवेशन आपको मिल सकते हैं इंटरनेट पे, देर इज नथिंग यूनिक अबाउट देम. सो आई थॉट कि वी शुड नॉट गो इन टू देम, रादर वी शुड कवर द कॉन्सेप्ट ओनली. एंड सिंस दीज आर स्टालिन की फिल्टर्स, तो एफ सी वन एफ सी टू वुड बी बिकॉज ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स. इफ दे आर इक्वल इट वुड बी वन अपॉन टू पाई आर सी, सिंपल. नाउ द लास्ट थिंग इज द बैंड, if in this the low pass circuit of the high pass circuit of and the center frequency. तो अगर आपको ऐसा फिल्टर मिल जाता है, जैसे देखिए आप इसमें थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, what you did की आपने एक हाई पास लिया पहले, उसके बाद एक लो पास लिया, तो लेकिन आपको ये नहीं करना हुआ तो आपको और इकोनॉमिकल होना है, आपको एक ही ओप एम्प लगाना है. तो what you do is you add multiple feedback paths. And multiple feedbacks क्या हैं कि यार अपन ने parallel में लगा दिए feedbacks. तो this is basically what the configuration would be. You do not need to go into details of this. Just remember the circuitry. क्योंकि only important thing in filters is the cutoff frequency or the center frequency. तो this is how you calculate the center frequency for a multiple feedback resistor. You must for a multiple feedback filter. You must just remember कि हम multiple feedback हैं या single feedback है. आपको बस देख के समझ आ जाना चाहिए. You can see कि यहाँ पे दो feedback paths हैं, एक ये है और एक ये है. Simple बात है यार, output से जितने elements लग रहे होंगे उतने feedback paths हैं. You can see till now अपन ने जो भी देखे हैं सभी में सिर्फ एक ही, देखो एक ही path होता है feedback का, एक ही बात होता है फीडबैक का. तो अपन 1/2 πr1c1r2c2 लगा देते हैं. अगर मल्टीपल फीडबैक पाथ्स हैं तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा. तो इसीलिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है. फॉर सेंटर फ्रीक्वेंसी द फॉर्मूला बिकम्स दिस, फॉर r1 r2 r3 वैल्यूज. दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है कहीं पे भी. तो इसके लिए डेरिवेशंस, आई थिंक इट इज राइट नाउ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वर्कशॉप. यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज कि r1 इज द क्वालिटी फैक्टर अपॉन 2πf0ca0, e0 इज द ऑप एम्प गेन एंड विच अकर्स एट, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e0 वुड बी दिस विच वुड अकर एट द सेंटर फ्रीक्वेंसी. So basically this is what we wanted to tell you about multiple feedback. We will not go into the depth of this thing. And the last part is the band stop filter. Band stop filter ka concept similar to band pass hai. Just over here kya karte hain apan, vein lete hain, do paths mein bhejte hain. This part filters out the high pass frequencies, this is the low pass filter, and then we at the end add them. But now just what will happen in active filter, this adder would be a adder amplifier. In passive case we had a simple adder, there was no amplifier, but over here we have a amplifier. और यहाँ पे मैंने वो वाला पार्ट नहीं दिखाया है सैलिन की, जिसमें आप दो पैरेलल सैलिन कीज ले सकते हैं एंड देन यू हैव एडर. दैट वुड बी टू ईजी कि आपने सिर्फ दो सैलिन की फिल्टर्स लिए. इफ दिस इज अ सैलिन की फिल्टर and this is a Salen key filter, what you do, you connect a resistor over here, you connect a resistor over here, you connect them to the plus terminal, then you have a simple adder of an op amp. So we have showed you the multiple feedback band stop filter. It would look something like this. It has, see again, it has two feedback paths, one this and one this. फॉर्मूलेज वगैरह इसके नेसेसरी नहीं है, यूजुअली वी डू नॉट गेट देम, जस्ट सो दैट यू नो कि देर इज समथिंग लाइक दिस विच एग्जिस्ट. सो वी जस्ट शोड यू इंट्रो टू मल्टीपल फीडबैक फिल्टर्स, बट राइट नाउ दे आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वर्कशॉप. सो दिस इज इट विथ वॉट यू वॉन्टेड टू कन्वे टू यू थ्रू दिस. आज की वर्कशॉप थोड़ी लंबी हो गई, बट अब आपका लगभग सारा, लगभग क्या, ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पूरा हो चुका है.
लास्ट में बस ये थोड़े से समरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू देम ऑन योर ओन, और आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो यू आर फ्री टू गो. और वी ऑल्सो इनकरेज यू टू एटलीस्ट इंस्टॉल ऑर्कैड नाउ, क्योंकि नेक्स्ट वर्कशॉप में अपन ऑर्कैड देखेंगे अच्छे से, इसीलिए आज थोड़ी वर्कशॉप लंबी रखी है ताकि सारा थ्योरी ख़त्म हो जाए. तो आपको जाना है तो जा सकते हैं, डाउट पूछने हैं तो डाउट पूछ सकते हैं. और ये लास्ट के दो तीन जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको गो थ्रू हो जाइएगा. बाकी जो आज की वर्कशॉप से मेन चीज़ लेने को थी वो यही था कि यार जो मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन है उसके पोल्स कैसे निकालते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं, कि पोल्स से मैं ऑर्डर डिटरमाइन करता हूँ, ऑर्डर से मुझे रोल ऑफ रेट डिटरमाइन हो जाती है, एंड बेसिकली मेरे पास दो तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो विच फिल्टर टू यूज़ व्हेन. तो आर देर एनी डाउट्स? ठीक है, फिर एंड कर देते हैं मीटिंग. ठीक है, मतलब पीएम कर सकते हो अगर डाउट्स हैं तो, कोई दिक्कत नहीं है.